Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. MediCircle में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषय लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोगमुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचारों विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं गठिया की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में हेलो मैं हूं प्राजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल टुडे ऑन आर अर्थराइटिस अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर हरिराम झुंझुनवाला विदास डॉक्टर हरिमचनवाला मरीन लाइंस मुंबई में टॉप ऑर्थोपेडिस्ट हैं वे बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर मरीन लाइंस मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं आपको इस क्षेत्र में 47 सेवन ईयर्स का अनुभव है डॉक्टर हरिम चुनजनवाला की क्वालिफिकेशन बी एस सी एमबीबीएस डिप्लोमा एम एस ऑर्थोपेडिक्स है आपका स्वागत है आज सर्कल में डॉक्टर हरिमचनवाला अर्थराइटिस का मेन कारण क्या होते हैं अर्थराइटिस का मेन कॉज यस सर या आर्थराइटिस का मेन कॉज होता है कि इट इज ए डिजेनरेटिव प्रोसेस इट इज एजिंग प्रोसेस जैसे बाल सिर के बाल सफेद हो जाते हैं कुछ सालों के बाद वैसे जॉइंट के अंदर डिजेनरेटिव प्रोसेस होती है जॉइंट जो होता है वो दो कार्टिलेज के बीच में होता है वो कार्टिलेज धीरे 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 फ्रैक्चर होता है डिजेनरेट होता है और उसके साथ साथ बोन bon ओपन होता है तो बोन bon से बोन bon जब घिसता है तो दर्द होता है क्योंकि उसमें नर्व रहती है और कार्टिलेज में नर्व नहीं रहती है इसलिए दर्द नहीं होता है जब तक कार्टिलेज है बहुत अच्छा है ओके सर आर्थराइटिस में क्या नर्व पेन होता नर्व नर्व तो ओपन होती है ना तभी जब तो पेन होता है अच्छा जो कार्टिलेज होता है जिसके अंदर नर्व नहीं होती है वो नर्व ओपन हो जाती है कार्टिलेज डिजरेज होने से इसलिए पेन होता है अच्छा सर क्या होता है अगर अर्थराइट को ट्रीट नहीं किया जाता है करेंगे तो तो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे और बढ़ेगा तो आपको डिफॉर्मिटीज हो जाएगी और फिर चलना फिरना मुश्किल होएगा जो जॉइंट जो काम कर सकता है वो नहीं कर पाएगा तो आपकी यूज करने ज्वाइंट को यूज करना डिफिकल्ट होएगा। अगर नी ज्वाइंट है तो आपको चलना मुश्किल होएगा। क्या वापस वापस गठिया ठीक होने के बाद वापस भी आता है? अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वापस आ सकता है आजकल अर्थराइटिस के लिए बहुत सारे ऑपरेशन नए नए ऑपरेशन निकले हैं जिसमें पूरा जैसे नी ज्वाइंट है हिप ज्वाइंट है पूरा ज्वाइंट बदली हो जाता है जिसमे एकदम नया जॉइंट लग जाता है तो तो वो तीस चालीस साल आराम से चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ओके सर सर अथराइटिस को बचाने के लिए अपने पेशेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि गठिया उनको उसको, ना हो जी उसको एक्सरसाइज करना चाहिए बराबर और जो भी जॉइंट वो वापरते हैं उसको ठीक से वापरे जैसे अभी ओल्ड मैन इफ ही दर्द जॉगिंग करेंगे तो दर्द बढ़ेगा का, कार्टिलेज घिससेगा का, तो एक्सपोज होगा तो दर्द बढ़ेगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो आदमी कर सकता है इजिली ही मस्ट डू एक्सरसाइज सो दैट दसल टोन रिमेन्स गुड एंड देर इज लेस प्रेशर ऑन दर्टिलेज सो दैट दॉर्न आउट विल बी लेस So, that the bone exposure in the joint is less and therefore less pain. Okay. Thank you so much for coming on our show, Doctor. And you shared your valuable time and insights with us at MediCircle. It was really a pleasure having you today. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.